खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिज़ाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप सिलाई करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस नाप की कमर में कितने नाप का हमें बेल्ट लगाना है, मतलब किस नाप की कमर में हमें कितने इंच का बेल्ट लगाना है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ, सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है, अब आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। ये रहा नंबर, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे आपको सिर्फ कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, 26 इंच कमर होती है, जैसे हिप होती है, यहाँ से जो हम कंप्लीट नापते हैं इस तरह से, जहाँ पे आपको सलवार बांधनी है वहाँ पे आप कंप्लीट अपने हिप नाप लीजिए, जितने भी आती है। तो 26 इंच कमर से स्टार्ट, मैं आपको 50 इंच कमर तक बता देती हूँ कि कौन सी कमर में कितना बेल्ट हमें ऐड करना है। देखिए, 26, 28 और 30, इन तीन कमर के लिए हमें 19 इंच बेल्ट रेडी रखना होगा। इसमें आपको अगर थोड़ा लूज लग रहा है 26 इंच के लिए, तो आधा इंच आप कम कर सकते हैं, 19 मतलब डबल में 38, 28, 30 के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। और 32 इंच कमर के लिए आपको 20 इंच बेल्ट रेडी रखना है, ये बिल्कुल सही रहेगा। इससे आगे मैं बता देती हूँ आपको, 34 इंच कमर के लिए, 34 इंच कमर के लिए हमें 21 इंच का बेल्ट रेडी रखना होगा, जो गोलाई में हो जाएगा 42 इंच का। क्योंकि जब हम 34 इंच कमर रखेंगे तो इसमें आपको 5 इंच एक्स्ट्रा खुला होना चाहिए बेल्ट आपका साइड से, तो 10 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। 36 इंच जिसकी कमर होती है उनको बेल्ट चाहिए 22 इंच का। जिनकी 38 इंच कमर है उनके लिए रहेगा 23 इंच का, और जिनकी 40 इंच कमर है उनके लिए रहेगा 24 इंच का बेल्ट रेडी। ये नाप में बिल्कुल सही आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर से देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको आगे बता देती हूँ, 42 इंच कमर के लिए 25 इंच बेल्ट रेडी रहना ज़रूरी है, 44 इंच कमर के लिए 26 इंच बेल्ट, 46 इंच कमर के लिए 26 इंच बेल्ट, 48 और 50 इंच के लिए 27 इंच बेल्ट। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे दो एक जैसे नाप हो गए हैं, तो इनको मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे एडजस्ट करना है। जैसे 44 इंच हिप होती है, हिप तो होती है पेट की जगह से, जहाँ पे आपका पेट भारी होता है, तो 26 इंच बेल्ट बिल्कुल सही रहेगा। और ये जो 46 इंच है इसके लिए भी 26 इंच बेल्ट सही रहेगा, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, यहाँ पे तीन नाप के लिए 19 इंच सही रहेगा, और लास्ट में जब हैवी पे बात आ जाती है तो यहाँ पे 44 और 46 के लिए 26 इंच, और 48 50 के लिए 27 इंच। इस तरह से आपको कमर के नाप के हिसाब से ये बेल्ट रखने हैं। इसमें आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, ना ही लूज रहेगा और ना ही टाइट रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगता है तो आप आधा इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी इन तीन नाप में और इन चार नाप में, बाकी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी सलवार का बेल्ट लगा लीजिए। ये जो बेल्ट है 19 इंच से 27 इंच तक, तो इनमें आपको प्लेट कितने में डालनी है, तो कितने इंच के बेल्ट में हमें कितने इंच की प्लेट लगानी है, ये वीडियो आपको देखना है। तो ये रहा वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा, और खुशी बुटीक स्पेशल चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।